लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ अब जो है पॉलिटिकल पार्टी का जो दफ्तर है वो सजने लगा है, और हम इस वक्त हैं बीजेपी दफ्तर में, और बीजेपी दफ्तर के बाहर आप देखेंगे तो एक नए नए जो होर्डिंग्स हैं वो लगे हैं, और लिखा हुआ भी है मैं हूँ मोदी का परिवार, और 400 पार का जो नारा है वो भी यहाँ तस्वीरों में लग रहा है। तो और यहाँ लिखा है एक बार फिर मोदी सरकार, तस्वीरों में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। अब लगता है अब चुनावी मोड का जो ये है वो तमाम चीज़ें यहाँ परिलक्षित हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है चुनाव, और पार्टी कार्यालय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का स्वाभाविक रूप से सजा है, सजना भी चाहिए। ये हर मतदाता का कर्तव्य है कि वो मतदान करे और एक स्वच्छ साफ सुथरी सरकार बनाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग यहाँ से गुजरेंगे देखेंगे तो एक अच्छा उनके मन में भाव आएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उनके मन में पहले से सकारात्मक भाव है। वो याद कराएगा कि भाई 4 जून को 400 पार करना है, तो मतदान करना है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना है। इसका क्या मतलब हम लोग डाल सकते हैं? देखिए, मोदी जी ने अपने आप को कनेक्ट किया है देश की 140 करोड़ आबादी के साथ, और लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे हैं, हम उनके हैं। और जिस सहज भाव से मोदी जी भाषणों में आम जनता का जिक्र करते हैं, महिलाओं का जिक्र करते हैं, माताओं बहनों का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि शक्ति मेरे लिए हर माँ बहन शक्ति है। अब आप सोचिए कि आधी आबादी को सीधे जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो सब लोग फील करते हैं कि मोदी जी, अब मोदी जी का परिवार, इस देश के एक एक लोग मोदी जी के परिवार हैं, कोई नहीं है उनका, उनके जो देश की 125 जो 140 करोड़ की आबादी है वही उनका परिवार है। वो जीते हैं तो इस देश की आबादी के लिए, मरते हैं मरेंगे भी तो इस देश के लिए। तो इसीलिए मैं हूँ मोदी का परिवार, ये टैगलाइन पार्टी ने शुरू किया, और आप देख रहे होंगे ऐसा ट्रेंड हुआ कि वर्णन से परे है, लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे मैं हूँ मोदी परिवार बड़ी संख्या में लोगों ने डालकर जताया कि हाँ मैं हूँ मोदी परिवार। अभी मतलब चुनाव का घोषणा के साथ कई चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, लोग तुरंत तुरंत घर बदल रहे हैं, ऐसे में आप भी एक पुराने पॉलिटिशियन हैं, ये जो मिजाज होता है राजनेताओं का उसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल पार्टी और आम वोटर पे क्या पड़ता है? देखिए, ये बहुत ही दुखद है। ये सही है कि जब चुनाव जैसे नज़दीक आते हैं तो हर दल के लोग उछल कूद करते हैं, अपने महत्वाकांक्षा के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोग जब दल बदल कर दूसरे दलों में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनकी निष्ठा पे तो सवाल खड़ा होता है। ऐसे आप लोग लगातार सोरेन परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कोसते रहे थे, लेकिन आज क्या मजबूरी होगी कि सोरेन परिवार की बड़ी बहू को आप लोगों को बीजेपी में लेना पड़ा? नहीं, अगर कोई आवेदन दे, कोई आने की बात कहे तो कोई क्या करे, कोई शर्तों के आधार पे तो आया नहीं, लाया नहीं गया सोरेन परिवार की बहू को। अगर वो आ रही हैं, एक बड़े परिवार की बहू हैं, भारतीय जनता पार्टी में अगर आई हैं तो पार्टी ने उनका स्वागत किया, इतनी बात है। ये भी सवाल उठता है कि जो पुराने कैडर अभी वहाँ, मान लीजिए राजमहल से चुनाव लड़ती हैं, कोई पुराना कैडर वहाँ भी, उसकी भी तो महत्वाकांक्षा होगी कि हम भी चुनाव लड़ें भारतीय जनता पार्टी का सेवा करते हुए। देखिए, स्वाभाविक रूप से जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनके मन में यह विचार या भाव आता है, आना भी चाहिए, लेकिन विनेबिलिटी भी एक फैक्टर है, यह भी पार्टी सोचती है, विनेबिलिटी एक फैक्टर है, जीतने की क्षमता होनी चाहिए, जज्बा है लेकिन हम जीत नहीं सकते, तो पार्टी हर मुद्दों पर सोचती है, विचार करती है, और अंत में लगता है कि भाई अमुक व्यक्ति अगर जीतेगा हमारी, तभी हमारी विचारधारा जीवंत रहेगी, हम सरकार बनाएंगे, जनता के हित में अच्छा काम करेंगे, तो एक फैक्टर है। तो आज देखेंगे अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो हम थोड़ा दिखाते हैं। यहाँ देखेंगे विकसित भारत मोदी की गारंटी लिखा है, और मैं हूँ मोदी का परिवार, फिर एक बार मोदी सरकार, यहाँ देखेंगे अब की बार 400 पार। लेकिन इस तमाम तस्वीरों के पीछे
जो महत्वपूर्ण एक तस्वीर है वो भी हम थोड़ा दिखाना चाहेंगे। इस तरह से लगातार चीज़ें बन रही हैं और यहाँ एक जो फोटो सेल्फी पॉइंट बना है वो भी आप देख सकते हैं। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वो पूरी तरह से पोस्टरों के माध्यम से जो चुनावी मोड है वो साफ तौर से नज़र आता है। ये देखिए, ये पंच लाइन है भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव को लेकर। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि चुनाव को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जो है वो पूरी तरह से सज रहा है और एक आकर्षण का केंद्र होगा। जैसे हमने अभी विधायक वीरंजी नारायण से बातचीत की, तो अब ये पंच लाइन जो है वो वोटरों को कितना अट्रैक्ट करेगा ये वक्त बताएगा। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरेन प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।